चल है भाई, बढ़िया। गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। हमारा लास्ट चैप्टर, हमारी थीम्स की बुक्स आज खत्म हो जाएंगी, ठीक है? चैप्टर सिक्स का लास्ट पार्ट है, एंड विद दैट विद दिस विल कंप्लीट आवर फर्स्ट फेज ऑफ द हिस्ट्री, ठीक? जो कि होता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। जो इतना आपने पढ़ा है, श्योर इतना कोई नहीं पढ़ता है, स्पेशली जो डिफेंस वाला बंदा ना, इन द फर्स्ट राउंड वो नहीं पढ़ता है, बिकॉज उसको उतना वो नहीं होता। वो इज लाइक कि चलो ठीक है, शॉर्टकट से काम हो जाएगा, बट नहीं होने वाला मेरे भाई। चलो करते हैं। हमने याद कर लिया था कि ये जो स्टेटमेंट दिया था हमारे गोविंद पल्लभ पंत जी ने कि खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक? ये आप रट लेना, ऐसी स्टेटमेंट जो भी मैंने पहले बताए ना, शायद मैंने पूरे पूरे पढ़े होंगे, मेरी बहुतों को मैंने ये नहीं बताया कि ये किसने दिया, तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक? अब बात करते हैं यहाँ पे दे रखा कि केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं। कौन से प्रस्ताव की बात कर रहे हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और सोशलिस्ट विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए, क्योंकि रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे, और उन्होंने इस बात की स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का इफेक्टिव इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, ठीक? या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी हैं, ओके? और ये जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें सीढ़ी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ऐसे स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग वाले इंटरेस्ट होते ना, वही पूछते हमारी यूपीएससी। ये देखो, जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। किसने कहा था? ये एनजी रंगा ने है। तो माइनोरिटीज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे तो हमारे कौन थे? एनजी रंगा जी। जी नहीं, इस असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता। इवन आपको पता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से उठा लेंगे ये स्टेटमेंट। अच्छा बताओ, किसने कहा? तो रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा कि भाई हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का, और उसके बावजूद हम में ज्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्योंकि इनमें कुछ समय लगता है कि तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं, और उनके पक्ष में आवाज उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कौन? हमारा सोशलिस्ट पार्टी। तो रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे समूह में गिनाया था, और इस समूह के प्रतिनिधियों कौन कौन थे? जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वेलकम करते हुए जयपाल सिंह ने क्या कहा था कि भाई एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों की पिछले 6,000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में तब जब तब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस जो भी इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला था, संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, ठीक? स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो जो सिंह साहब थे, सिंह साहब मतलब ये हमारे जो जयपाल सिंह थे, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी जो थी, मतलब मैंगो पीपल, उनके लेवल पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे, उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों में तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नजर से देखता है। जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया, और हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ खुला मिलना चाहिए। हम आपके साथ गोल में मेल जोल करना चाहते हैं। तो जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के औरों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ये देखो, हमें हजारों साल तक दबाया गया संविधान में दमित जातियों यानी कि डिस्प्रेस्ड कास्ट के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचकों की डिमांड की थी, ठीक, जिसका महात्मा गांधी ने ये कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दलित जातियों को इस तरह की सोच थी, हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं से हटना चाहते हैं। ये कौन बोलता है? मद्रास की दक्षिणी बेला युधान की दलील थी, ठीक। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का ये आग्रह था कि भाई छुआछूतों की समस्याओं केवल संरक्षण और बचाव के जरिए नहीं बल्कि ये नहीं किया सकता है। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानूनों और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ खुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। आज की डेट में भी भाई ये होता है, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। मद्रास के सदस्य जे नगप्पा ने कहा कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नगप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20-25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है, ठीक। उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीन नहीं है, उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंचती और ना ही शासन में हिस्सेदारी। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के जी खांडेलकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाया गया और इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग हमारी देह काम नहीं करती। यही स्टेटमेंट ऐसे पूछा रखते हैं के जी खांडेलकर, ठीक है, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए, हमारी कंडीशन है अभी की, ठीक। बंटवारे के हिस्सा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता को उन्मूलन किया जाए यानी खत्म किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन। तो तभी से रिजर्वेशन का कोटा चलता आ रहा। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी, सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया सकता, समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। बॉम्बे की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों की नहीं और ना ही उन्होंने परिषद चुनाव की चुनाव क्षेत्र की। तो ये हिंसा मेहता का मतलब कहा है। राज्य की शक्ति के बारे में बात करते हैं तो संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, ऑब्वियसली सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेट उसके अंदर काम करना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन को व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और इंटरनेशनल लेवल पर पूरे देश के लेवल उठाने में सक्षम नहीं होगा। दैट्स ट्रू, ठीक है। तो ये सब किया गया था। संविधान के मसौदे में विषय की तीन सूचियां बनाई गई थी, कौन कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों के विषय आते हैं, लेकिन केंद्र को प्रायोरिटी मिलती है। पहली सूची के विषय केवल केंद्र के अधीन, दूसरे के केवल राज्य के और तीसरे के समूह विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी, बट अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल सेंट्रल कंट्रोल रखता था, ठीक है। तो समवर्ती सूची में भी प्रोविंसेस की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कंट्रोल दिया गया। आर्टिकल 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया, ठीक। पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल 356। ये क्या है? हमारी तीन इमरजेंसी है, उसमें आपकी पढ़ाई नहीं, आपको पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, पूरे राज्य का जो भी व्यवस्था होती है वो सीधे सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे कि सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई, ठीक। कुछ अदर मामलों में जैसे कि आयकर, आबकारी शुल्क में होने वाली राज्य, ये सब बांटे गए। भाई किधर कौन जाएगा,
केंद्र बिखर जाएगा, इसलिए भी दिया गया था ये, ठीक है, कुछ नहीं है कि केंद्र बिखर ना जाए इसलिए हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिंगल बनाते हैं। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदालियर ने कहा था कि बेहतर देशभक्त कौन है, रामास्वामी मुदालियर। यहाँ तो राज्यों का सवाल है कि सनातन का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा विरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खरा दे दीजिए। यही बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें, यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि भाई अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठे खड़े होंगे। ठीक, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है तो प्रांत प्रोविंसेस के लिए अधिकार अधिक शक्तियों की मांग से सभी में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर सचिंग किया जाना ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र सड़कों पर हो रही जिस हिंसा का टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार कहा था कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रोविंसेस के लिए अधिक शक्तियों की डिमांड का जवाब देते हुए गोपाला स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा था कि भाई केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त यही पूछे जाएंगे कुछ नहीं, संयुक्त प्रांत के एक सदस्य थे बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित करके और देश को फॉरेन अटैक से बचा सके। ये कहा था बालकृष्ण शर्मा ने। बिफोर डिवाइजन थी पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी सहायता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश करता था कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है मुस्लिम लीग की वहां दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विवेक केंद्रीय हमारा जो सेंटर है उसके जैसे राजनेताओं नहीं बचे। ठीक, तो औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी की एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी और इस उस जमाने में हुई घटनाओं से सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला और जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाई देता। राष्ट्र की भाषा की बात करें, गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार भारतीय को कहा था राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग डिफरेंट भाषाएं बोलते हो, उनकी संस्कृति विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं वगैरह, ये सब तर्क थे। तो 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की लैंग्वेज थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी लैंग्वेज थी। जैसे जैसे टाइम बीता बहुत तरह के सोर्सेज से एक नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए और उसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे, तो महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विभिन्न समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं मुसलमानों उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। बट 19वीं सेंचुरी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई, लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। हिंदुस्तानी उतनी रही लेकिन उर्दू चूंकि फारसी तरफ इंक्लाइन ज्यादा हो रही थी इसलिए कम हो गई थी। हिंदी की हिमायत बात करते हैं
संविधान सभा के स्टार्टिंग के सेशन में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरबी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। किसने बोला था ये? आरबी धुलेकर। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई थी, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को एक्साइट करता रहा। अप्रोक्स 3 ईयर्स 12 सितंबर 1947 के मतलब 3 साल के बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति एक अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों ये पता है 21st अमेंडमेंट, 71st, 92nd, 96, ये 4 अमेंडमेंट हुए हैं। सिंधी पहले में ऐड हुई थी, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये ऐड हुई थी, फिर अवधि नहीं नहीं ऐसे कुछ हुई थी ना लास्ट वाले में, उड़िया का नाम उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया था, डोंगरी और एक और थी। तो ये हमारे हैं, ध्यान रखना 4 अमेंडमेंट हुए अभी तक। ठीक है, समर्थक और विरोधी के बीच पैदा हो गए प्रतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर लिया गया था। समिति ने यह सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में ठीक लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। समझ गया, जो देवनागरी लिपि में लिखी होगी वही होगी हिंदी की भारतीय राजकीय भाषा। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित ही नहीं किया था। तो समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट 15 ईयर्स तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, पहले 15 साल तक ठीक। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांति करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। तो धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्होंने लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है ठीक। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। महोदय, इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को रियायत दी गई है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणत है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें खुद परेशानी होने लगी है बोलते बोलते ही। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। क्या बात है, मतलब भाई है ना, नवाबी ना गटे वाला डायलॉग हो गया। वर्चस्व का भय की बात करते हैं, धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य पावरफुल लैंग्वेज के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा है ये प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले, कक्षाएं चलाई। किसने? श्रीमती दुर्गाबाई जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आई थिंक पीवाई को बना हुआ है कहीं ना कहीं, आई थिंक सीएबीएफ का है। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है कि दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह में हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देकर कह सकती हूँ कि दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले
किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा कर होना निश्चित है। तो जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बॉम्बे के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने क्या कहा भाई कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी ए रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए, यदि आक्रामक होकर काम किया गया हो तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा, चाहे लोगों के भय निराधार हो उनको शांत किया जाना चाहिए वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा जब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पर समाप्ति होती है। 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। दिसंबर से जनवरी 1945 के बाद चली है, भारत में आम चुनाव हो रहे हैं। 1946 16 मई को क्या होता है, कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की डिक्लेरेशन करता है। 16 जून को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून को कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव करता है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे, रिमेंबर ये मुस्लिम लीग का डे है, इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर कांग्रेस अंतरिम सरकार गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है पहले। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का दोबारा फैसला लेती है। ठीक, अब 3 से 6 दिसंबर 1940 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री आते हैं इटली, कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं और इन वार्ताओं को कोई नतीजा नहीं निकलता। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अधिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं। 29 जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की डिमांड करती है। 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया, समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो किसकी थी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना को अध्यक्ष बनाया गया था और ये हुई थी 11 अगस्त को। 14 अगस्त को डिमांड फॉर द पाकिस्तान होता है, कराची में जश्न होता है। 14 से 15 अगस्त की रात्रि में भारत में स्वतंत्रता का जश्न होता है। दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, हमारे यहाँ से खत्म है क्या, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्या नाम था इसका, थीम्स की बुक, है ना, इंपॉर्टेंट है आपको देख लो जो मैंने आपको पढ़ा ना, स्टेप बाय स्टेप एंड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अगर आप चाहो तो आप खुद से डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करके, आप गूगल पे सर्च करो और वहाँ पे डाल दो आप 12th की ऐसे एनसीईआरटी थीम्स करके, अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तब भी आ जाएगा आपको। हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हो उसको एक बार करके एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन कर लोगे ना आप, एक बार तो मैं करा ही चुका हूँ, 2 और कर लो आप, आई टेल यू की सीरियस और सीपे पहले होगा। ओके, सो विद दिस विल एंड दिस सेशन, हमारी हिस्ट्री खत्म। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप करो या फिर मेरे को डायरेक्टली कॉल नहीं करना, सॉरी, आप कमेंट करो। ठीक, इफ यू लाइक इट गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट, रेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम फिजिक्स भी चला रहे हैं पैरेलली, इसके खत्म होते ही विल स्टार्ट विद कंटिन्यू इंग्लिश रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक, पैरेलली हम एक या दो सब्जेक्ट और स्टार्ट करेंगे, दैट मे बी योर केमिस्ट्री मोस्ट प्रॉबली। ठीक, और जो बचा हुआ 11th क्लास की ज्योग्राफी वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सून। सो विद दिस विल स्टार्ट विल एंड दिस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, सब्बा केयर।